हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। टुडे आवर टॉपिक इन फार्माकोलॉजी इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो एंटीबायोटिक है उसका क्लासिफिकेशन, उसका उस अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। लास्टली अपन ने कंप्लीट किया था पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स। अगर आपने पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स का क्लास नहीं ली है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप के इसके अंदर जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम को पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इस नाम से पता लग रहा है, अमाइनो ग्रुप अमीनो एसिड से बना है, अमाइनो। ठीक है, और मॉडिफाइड ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये किससे बनी हुई है, ग्लाइकोसाइड्स से। ठीक है, फिर आता है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंगाई अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये किससे बना, जो डिराइव्ड हुई है किससे बनी हुई है, फंगाई अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमाइनो फंगाई अमाइनो ग्लाइकोसाइड से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है विच आर डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइस हैव। अगर ये स्ट्रेप्टोमाइस से बनी हुई है, STREPTOMYCES, अगर स्ट्रेप्टोमाइस से बनी हुई है तो इसके आगे सफिक्स क्या लगेगा, जो भी अपने जो लास्ट सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के आगे लगता है लास्ट में उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स, और जो पहले लगता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अब सफिक्स जो स्ट्रेप्टोमाइस से अगर डिराइव्ड हुई है, बनी है एंटीबायोटिक, तो उसका सफिक्स का लगेगा MYCIN। जैसे एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, अब आता है उसके बाद अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो मोनोस्पोरा। अगर इससे बनी हुई है माइक्रो मोनोस्पोरा से कौन अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो उसके आगे सफिक्स का क्या लगेगा, माइसिन, MYCIN। इसके अंदर MYCIN और इसके अंदर MYCIN, MYCIN और MYCIN। ठीक है, ये क्या लगेगा, सफिक्स। ठीक है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है उसके आगे क्या लगता है, MYCIN और MYCIN। जैसे इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, और इसका एग्जांपल हो गया जेंटामाइसिन, टेट्रामाइसिन और सीसोमाइसिन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन, STREPTOMYCIN, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रामाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन, TETRAMICIN, टेट्रामाइसिन, सीसोमाइसिन। ठीक है, ये क्या हो गया, इस एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। ये कुछ एग्जाम्पल और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और सीसोमाइसिन। अब आता है इसके बाद इसका, ये हो गया अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती क्या है। अब आता है उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो ड्रग्स है, जो एग्जाम्पल है ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है उनका। ठीक है, ये क्या होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड की, अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, बैक्टीरियसाइडल। और पेनिसिलिन जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो क्या थी बैक्टीरियसाइडल, और ये भी क्या है, बैक्टीरियसाइडल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियसाइडल। ठीक है, फिर आता है ये बैक्टीरियसाइडल है और ये क्या इफेक्टिव है, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव एरोब्स एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एंड बट दे आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किसके इफेक्ट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और ये इफेक्टिव नहीं है किसके, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव
इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है, कौन सी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अब आता है ये तो गया इसके बारे में थोड़ा बहुत, अब आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर मेनली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद दे बाइंड, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है तो फिर क्या होगा, दे बाइंड विद द बैक्टीरियल राइबोसोम, दे बाइंड विद बैक्टीरियल, बाइंड विद बैक्टीरियल राइबोसोम, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम है उससे क्या हो जाती है, ये बाइंड हो जाती है। फिर उससे क्या होगा, बाइंड होने की वजह से फिर क्या होगा, दे बाइंड विद द बैक्टीरियल राइबोसोम एंड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये बाइंड होने की वजह से जो क्या हो रहा है, किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है उसे क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है उसे क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है, और उससे फाइनली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा और बैक्टीरिया को किल कर देगी। आया समझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और ये क्या होते हैं, बाइंड करते हैं किससे, बैक्टीरियल राइबोसोम से ही बाइंड हो जाते हैं, और इससे फिर क्या होगा, बाइंड होने की वजह से प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को ये किल कर देती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ये हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आता है इसके बाद इसके इंडिकेशंस, इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के, ठीक है। जैसा कि अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, जो इंडिकेशंस पढ़ते हैं अपन, फिर इसके अलावा अपन पढ़ते हैं डोजेज, इंडिकेशंस, डोजेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं। अब आता है इसके अंदर इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, अभी मैंने बताया ये ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन से, एरोबिक, उनके अंदर ये यूज में लेते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है सेप्टिसीमिया कॉम्प्लिकेटेड विथ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन, ठीक है, सेप्टिसीमिया क्या है, सेप्टिसीमिया है और एब्डोमिनल पेन है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या यूज में लेते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड की एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड की जो एंटीबायोटिक है वो ली जाती है। फिर आता है नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद आता है आई इन्फेक्शन, आई के अंदर अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देते हैं, ठीक है, सॉरी लोअर नहीं अपर, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या देते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। फिर आता है इसकी डोजेस, इंडिकेशंस कंप्लीट हुए, अब आती है इसकी डोजेस, इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, STREPTOMYCIN, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी डोजेस क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन की, 15 mg पर kg पर बॉडी वेट पर kg बॉडी वेट पर डे ओरली,
ठीक है, ये किसकी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज। फिर आता है नेक्स्ट अमीकासीन की डोज क्या है इसके अंदर, एडल्ट के अंदर देखते हैं, अलग अलग है इसकी एडल्ट की और चिल्ड्रन की। सबसे पहले आता है एडल्ट की 15 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, पर डे। ये क्या ओरली दे सकते हैं इसे, IM और IV, ठीक है, ये इसकी डोज है। फिर आता है चिल्ड्रन की डोज है इसके अंदर 7.5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे IM और IV, ठीक है, ये क्या है इसकी डोज है IM और IV। चिल्ड्रन के अंदर 7.5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे IM और IV, ठीक है। अब आता है इसके बाद जेंटामाइसिन, थर्ड एग्जांपल जेंटामाइसिन MICIN, ठीक है। इसके अंदर डोज है, एडल्ट की डोज अलग है और चिल्ड्रन की अलग है। एडल्ट की डोज है इसके अंदर 3 से लेके 5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे IM और IV, ठीक है। अब आता है इसके अंदर चिल्ड्रन की डोज है इसके अंदर 2.5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे, ये भी क्या है IM और IV, ठीक है, ये किसकी डोज हुई जेंटामाइसिन की। अब आता है इसका लास्ट एग्जांपल है नियोमाइसिन, इसकी डोज है 15 mg पर kg पर बॉडी वेट IM और IV, ठीक है, IM और IV, ये इसकी डोज है। तो ये कंप्लीट हुई डोजेज किसकी, ये डोजेज किसकी कंप्लीट हुई अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। इसके अलावा जो नियोमाइसिन है उसको एक्सटर्नली भी यूज में लेते हैं, एक्सटर्नली जैसे आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर भी नियोमाइसिन को यूज में लेते हैं। अब आता है इसके बाद इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जो कि जब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को नहीं देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी जब पेनिसिलिन पढ़ा था, जब देखा था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके अंदर सेम रहते हैं, कौन सा हाइपरसेंसिटिविटी टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड से हाइपरसेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस MYASTHENIA माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस अगर हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देते, ये एक डिजीज कंडीशन है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रीनल फेल्योर, लीवर फेल्योर ये क्या हो गए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। इन कंडीशन के अंदर अपन नहीं देते हैं क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अब आता है उसके बाद साइड इफेक्ट, ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब स्किन रेशेज, प्रूराइटस, अर्टिकेरिया वगैरह, जो कि अपन हर डिजीज, हर जो पढ़ते हैं एंटीबायोटिक उसके अंदर देखते हैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्किन रेशेज, प्रूराइटस और अर्टिकेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मसल वीकनेस,
मसल्स क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, मसल क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस, ठीक है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। पेन एब्डोमेन हो सकता है, एब्डोमेन के अंदर क्या पेन हो सकता है। इसके अलावा डायरिया हो सकता है। ये कुछ क्या है इसके साइड इफेक्ट्स है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो एंटीबायोटिक्स है वो, उसका क्लासिफिकेशन, उनके बारे में कौन कौन सी होती है, किस में सफिक्स MYCIN होता है, MICIN होता है, फिर इंडिकेशंस हो गए, डोजेज हो गई, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। अगर जो ये आज की क्लास हुई है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको क्लास के अंदर इंटरेस्ट आया हो, अच्छी लगी हो, सेटिस्फाई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। इस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो इसका एंटीबायोटिक्स के जो नेक्स्ट ग्रुप है वो अपन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।